उठो चराग उठाओ ये आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ ये एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अगर ये मजाक है तो बहुत बेहुदा मजाक है। संजीदा मामलों में मजाक करने की आदत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ओम जी, रंगों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बेरंग है मेरी जिंदगी। माया, बेरंग जिंदगी नहीं, सोच होती है। अपनी सोच में रंग भर के देखो, जिंदगी में रंग खुद ब खुद आने लगेगा। लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि भूलना पड़ता है माया, वरना हमारे बीते हुए दिनों की गड़बड़ाहटें हमारे आने वाले दिनों की मिठास को भी खत्म करते हैं। हाँ माया, वैसे भी अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो चुका है और मेरा इंतजार भी। सच कहूं माया, मैं जाने कब से इंतजार कर रहा था इस पल का। मतलब तुम्हें क्या लगता है माया, मैं अपना सारा काम सारा बिजनेस यहां राजपुरा क्यों शिफ्ट कर रहा हूं? सिर्फ तुम्हारे लिए माया, तुम्हारे करीब आने के लिए। हम कुछ समझे नहीं माया। अगर हम बिजनेस में साझेदार हो सकते हैं तो असल जिंदगी में क्यों नहीं? ओह, तो हम अब समझे कि आप ये तोहफा किस लिए लाए। ये तोहफा नहीं है माया, ये वो रंग है जो मैं तुम्हारी जिंदगी में भर देना चाहता हूं। तुमसे शादी करके माया। आज के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। फिर तो हमें सोचना पड़ेगा। आज पता है क्या हुआ? मैं खाना बनाते बनाते यूं ही कुछ गुनगुना रही थी तो आपकी बिटिया भी साथ साथ गुनगुनाने लगी। बा बा बा। शांति, वो आयरन वाली गोली याद है ना जो बहन जी ने बताई थी तुम्हें? हाँ, वो तो मैंने खा ली। खा ली? लेकिन वो तो तुम्हें खाना खाने के बाद खानी थी ना। खाना खाने के बाद ही खाई है। आप खाना लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। बैठिए ना, खाना खाइए।
शांति हमारी शादी को 5 बरस हो चुके हैं और इन 5 बरसों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तूने मुझे खाना खिलाए बिना खुद खा लिया हो। जी वो मुझे भूख लगी थी तो। मेरी कसम खाकर बोलो। सच बता, तूने खाना खाया है? इतनी छोटी सी बात में कसम कहां से आ गई? छोटी बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। जी मैं कसम नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खाना नहीं खाया है। देखो शांति, ऐसी हालत में तुम्हें अपना और हमारे होने वाले बच्चे का दोनों का ख्याल रखना होगा, और अगर तुम खुद ही खाना नहीं खाओगी तो कैसे बात बनेगी? तो मैं क्या करूं? अपने थके हारे पति को खाना खिलाऊं या फिर अपनी फूल सी बच्ची को? इतना सा खाना मैं किस किस को खिलाऊं बोलो। शांति, अगर हम अपना सुख दुख साथ में बांट सकते हैं तो हमें खाना भी साथ में खा सकते हैं। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो जी, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी नहीं है। पगली, तेरे बिना मेरा कौन है? मेरे साथ खाना खाएगी ना शांति? खाएगी ना शांति? अरे बैठिए ना मोहित बाबू। डबल रोटी तो यही है, ससुरा मक्खन कहीं नहीं देख रहा। ये सानिया जी नजर नहीं आ रही आज। वो सानिया जी तो आज सुबह से ही सविता जी के साथ कहीं बाहर गई। क्या बात है सेठ भैया, मालिक को तो बैठने के लिए कहा और मुंशी को पूछा तक नहीं। कुछ तो राज है इसमें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज बैठिए ना। बैठ। वैसे राज तो बड़े घर की हर दीवार बयान करती है मुंशी जी। क्यों मंगत बाबू? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, राज तो हजारों दफन है बड़े घर की हर दीवार में। तो एक आधा राज इधर भी बता दीजिए। ये काम बहुत मुश्किल है सिद्धांत बाबू। मुश्किल क्यों? मुश्किल इसलिए क्योंकि कहां से शुरू करें ये सोचना पड़ेगा। मालिक की इस बात में भी कोई राज छुपा है? राज छुपा ही रहे तो अच्छा है मुंशी। बड़े घर की हर दीवार में राज दफन हो ना हो, मगर यहां दीवारों के कान जरूर हैं। जो दोस्त और दुश्मन को सिर्फ आवाज से ही पहचान लेते हैं। मेरी बात याद रखना। एक्सक्यूज मी, वो मुझे कुछ काम था।
क्या राज खोल रहे थे? वो मालिक, हम तो ऐसे ही। जानते हो कौन है ये? जर्नलिस्ट, अखबार के लिए लिखता है और दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की इनकी पुरानी आदत है। वो मालिक, हम तो ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। बस इधर उधर की बात करने के ही काबिल हो तुम लोग। और उधर माया अपने पार्टनर ओम के साथ गांव में जमीनें इस तरह खरीदती जा रही है जैसे मुफ्त बंट रही हूं। और यहां तुम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। क्या कह रहे हो मलिक? माया और ओम, क्या तुम्हें नहीं पता था? या तो तुम्हें ये बात सचमुच नहीं पता थी मुंशी, या फिर तुम जानबूझकर मुझे ये बताना नहीं चाहते थे। मालिक, अगर तुम ये बात मुझे सचमुच नहीं बताना चाहते थे मुंशी, तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। और अगर ये बात तुमने जानबूझ के मुझसे छुपाई है तो इसका अंजाम तुम दोनों जानते हो।